महानगर में शनिवार को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया गया। कचहरी चौक पर लॉकडाउन की कमान संभाले एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुब ने आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की तथा बेवजह घूमने वालों को कड़ी चेतावनी भी दी। जिसके संबंध में एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुब ने बताया कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करवाया जा रहा है और इसका लोगों से पूरी तरह से सहयोग भी मिल रहा है। शहर में ज़रूरतमंदों को ही जाने दिया जा रहा है और बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए जगह जगह मास्क की चेकिंग की जा रही है। एसपी सिटी ने लोगों से अपील किया कि बिना ज़रूरत के बाहर ना निकलें, कोरोना से लड़ाई लड़ने में प्रशासन की मदद करें और सहयोग करें। उन्होंने बताया कि महानगर में 56 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है और शिफ्ट वाइज पुलिसकर्मियों और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कि आम जनमानस को किसी तरह की समस्या ना हो। सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुब ने कहा, अगर सबसे मजबूत है रामनगर, एकदम मजबूत है। सभी लोग ध्यान दीजिए, लॉकडाउन का पूरा पालन करिए। आप लोग रोड पर मत खा दीजिए, कृपया करके लॉकडाउन का पूरा पालन करिए। इतने लोग कहे जाओ, एक आदमी अगर पूरा खानदान जाओ।
लॉकडाउन को लेके लोगों में काफ़ी जागरूकता है और जनता से बहुत ज़्यादा सहयोग भी मिल रहा है लॉकडाउन को लेके। और जहाँ कहीं पे एसेंशियल सर्विसेज या आवश्यकता में लोग निकल रहे हैं उनको जाने दिया जा रहा है, मगर चेकिंग भी चल रही है लगातार कि कोई अनावश्यक रूप से लॉकडाउन का उल्लंघन ना करे। करने वाले के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। गाड़ियों का चालान भी किया जा रहा है, मास्क के लिए भी चेकिंग की जा रही है, साथ में 188 के मुकदमे भी लिखे जा रहे हैं। कोई अपील लोगों से यही अपील है कि अधिक से अधिक कोरोना को हराने के लिए सब मिलकर एक साथ इसमें सहयोग करें और शासन प्रशासन पुलिस सभी का सहयोग करें ताकि हम इस लड़ाई से जल्द निकल पाए। सर बैरिकेडिंग भी की गई जगह जहाँ? बैरिकेडिंग 56 बिंदुओं पे की गई है नगर क्षेत्र में और वहाँ पे शिफ्ट वार ड्यूटियाँ भी लगाई गई हैं कि 24 आवर्स वहाँ पे कोई ना कोई रहे। मजिस्ट्रेट्स भी नियुक्त किए गए हैं उन बिंदुओं पे ताकि अगर किसी को किसी प्रकार की असुविधा हो तो तत्काल उस तक पुलिस और मजिस्ट्रेट्स ही पहुँच सकें।